हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो आज हम कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करेंगे फ्रेंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्डी हैं और जिन्हें लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ना तो इन्हें कटिंग से लगाने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही इन्हें डिवाइड करके लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ ऐसे ज़िद्दी और ढीठ किस्म के प्लांट जो है वो बताऊँगी फ्रेंड, जो कि एक बार आपके गार्डन में आ गए तो पूरा गार्डन जो है वो कवर कर लेते हैं और उसे आप कितना भी निकाल कर फेंकेंगे तो भी ये जो प्लांट है आपके गार्डन से नहीं जाएंगे। तो इस प्लांट को आपको कटिंग भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड। ये जो प्लांट है इसे अगर आप कट करके इसे पिंच करके मिट्टी में फेंक भी देंगे, अगर ये जो प्लांट है खुद ब खुद मिट्टी में टूट कर गिर भी जाते हैं तो बहुत ही आसानी से ये जो प्लांट है बिना कटिंग के रेडी हो जाते हैं। पहले नंबर पर आता है ये वांदरिंग व्यू, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है फ्रेंड और काफ़ी हार्डी प्लांट है। इसे लगाने का कोई भी झंझट नहीं है फ्रेंड, इसे बहुत ही आसानी से जो प्लांट है लग जाता है। अगर ये जो प्लांट है काफ़ी नाजुक भी होते हैं तो इसके जो ब्रांच है अपने आप से टूट के ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो ये जो इसके जो टिप है, अगर ये इसी तरह से टूट कर अगर आप इसे इस तरह से मिट्टी में फेंक भी देंगे तो ये जो प्लांट है अपने आप से रूट बन जाती है और बहुत ही आसानी से जो प्लांट है रेडी हो जाता है। तो ये ऐसा हार्डी प्लांट है कि जिसकी आपको कटिंग भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और पूरे साल कभी भी ये जो प्लांट है आप लगा सकते हैं। ऐसा ढीठ प्लांट होते हैं कि ना तो इन्हें केयर की ज़रूरत होती है और ना ही मिट्टी की ज़रूरत होती है। अगर आप इस तरह से इसे ज़मीन पर गिरा भी देंगे तो जो प्लांट है लग जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो प्लांट है इसी तरह से ज़मीन पर पड़े हुए हैं और ना तो इन्हें पानी मिलता है और ना ही इन्हें मिट्टी ही अच्छे से मिल पाती है फ्रेंड, फिर भी ये जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं इस तरह से ज़मीन पर पड़े हुए थे। तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हार्डी और ढीठ किस्म के ये जो प्लांट हैं और ये जो प्लांट है वांडरिंग व्यू का काफ़ी खूबसूरत भी लगता है फ्रेंड। तो इसके हैंगिंग प्लांटर्स अगर आप बनाते हैं तो काफ़ी सुंदर ये जो हैंगिंग प्लांटर्स है इसके बनकर रेडी होते हैं। नंबर पे आता है ये पर्पल हट का प्लांट, तो पर्पल हट भी काफ़ी खूबसूरत लगता है फ्रेंड। तो इसके पत्ते ही देख सकते हैं आप, ये पर्पल कलर के इसके पत्ते हैं और काफ़ी खूबसूरत इसमें फ्लावर्स भी आते हैं पिंक कलर के। तो इसका भी कलर कुछ कुछ वांडरिंग व्यू से ही मिलता है लेकिन काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये जो प्लांट होते हैं और इसे भी आपको लगाने का कोई झंझट नहीं करना पड़ेगा। ये जो प्लांट है अगर इस तरह से टूट कर खुद से ज़मीन पर गिर भी जाते हैं तो इसमें बहुत ही आसानी से रूट जो है बन जाती है। एक छोटी सी टिप भी अगर कहीं गिरती है फ्रेंड तो ये अपने आप से रूट बन जाते हैं और एक ही प्लांट से पूरा प्लांटर जो है आपका बहुत ही जल्दी कवर कर लेगा। आप देख सकते हैं ये पूरा प्लांटर ही उस प्लांट से भरा हुआ है। ये मेरा डिफिनवेकिया का पॉट और इसी में मैंने ये जो प्लांट है इसी तरह से तोड़कर इसी तरह से फेंक दिया था फ्रेंड, आप देख सकते हैं। और ये जो प्लांट है अगर आप इस तरह से इसे फेंक भी देंगे तो ये बहुत ही जल्दी खुद ब खुद ये जो प्लांट है रेडी हो जाते हैं। तो इसे लगाने का भी झंझट नहीं करना पड़ता है, कोई भी इस प्लांट को लगा सकता है फ्रेंड। और बहुत ही हार्डी किस्म के प्लांट होते हैं तो इसकी कटिंग नहीं भी आप लगाएंगे तो इस प्लांट को अगर तोड़कर इस तरह से ज़मीन पर गिरा भी देते हैं तो ये जो प्लांट है अपने आप से लग जाते हैं। नंबर पे आता है ये टैंगल हट का प्लांट, तो आप देख सकते हैं इसके जो पत्ते हैं कितने खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्डी किस्म के जो प्लांट होते हैं। और इसके जो प्लांट है इसकी खूबसूरती इसी में होती है, जब ये प्लांट जो हैंग करते हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं ये जो प्लांट है इसे आप कटिंग से नहीं भी लगाएंगे तब भी ये जो प्लांट है अपने आप से टूट कर अगर ज़मीन पर गिर भी जाता है तो ये जो प्लांट है रेडी हो जाते हैं फ्रेंड। टैंगल हट के हैंगिंग प्लांटर जो है काफ़ी खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड और काफ़ी हार्डी किस्म के ये जो प्लांट है होता है। आप देख सकते हैं जो ये प्लांट जब इस तरह से हैंग करते हैं लटकते हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो इस प्लांट को अगर आप ईजिली बहुत ही आसानी से लगाना चाहते हैं तो इसमें कोई भी झंझट जो है इस प्लांट में नहीं करनी पड़ती है फ्रेंड। तो इसे अगर आप इसके टिप पर से इसकी कुछ ब्रांच जो है वो इस तरह से तोड़ कर अगर आप इसे इस तरह से मिट्टी में रख भी देंगे, इसे सिंपली मिट्टी में रख देंगे तो ये जो प्लांट है बहुत ही जल्दी रेडी हो जाते हैं। देख सकते हैं कि ये जो प्लांट मैंने रेडी किया है फ्रेंड, तो इसे कुछ करीब 10 दिन पहले ही मैंने इसके ढेर सारे ब्रांच को लेकर इस खाली पॉट में इसी तरह से रख दिया था फ्रेंड। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इसे कट करके इसी तरह से यहाँ पर मिट्टी पर रख दिया और बहुत ही आसानी से जो प्लांट है मेरा रेडी हो गया। 8 नंबर पर आता है ये स्पाइडर प्लांट, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये जो प्लांट है लगता है देखने में। इसके पत्ते काफ़ी खूबसूरत होते हैं फ्रेंड और ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं। अगर एक बार आपके गार्डन में आ गए तो ये जो प्लांट है अपने आप से ढेर सारे प्लांट जो हैं बन जाते हैं, काफ़ी जिद्दी किस्म के जो प्लांट हैं होते हैं फ्रेंड। तो इसमें इस तरह से छोटे छोटे आप देख सकते हैं इस तरह से रनर्स निकलते हैं फ्रेंड। तो ये जो रनर्स अगर इस तरह से मिट्टी में या फिर ज़मीन में कहीं भी अपने आप से टच होते हैं तो बहुत ही जल्दी ये जो प्लांट है रेडी हो जाते हैं। अगर स्पाइडर प्लांट की कटिंग नहीं भी लगाना चाहते हैं तो इसके जो इस तरह से रनर्स निकलते रहते हैं इसे किसी गमले में या पॉट में इस तरह से रख भी देंगे तो ये जो प्लांट है बहुत ही जल्दी इसमें रूट जो है वो बन जाती है फ्रेंड्स। 5वें नंबर पे आता है ये देख सकते हैं सिंगोनियम का प्लांट, इसमें और भी वेरायटी आती है फ्रेंड। इसमें पिंक कलर भी आता है, इसके पत्ते जो हैं काफ़ी खूबसूरत लगते हैं
और बहुत ही ज़्यादा हार्डी और ज़िद्दी भी कह सकते हैं जो प्लांट है, हार्डी और ज़िद्दी किस्म का प्लांट होता है। जो प्लांट है आपके गार्डन में आ गया फ्रेंड, तो फिर पूरा गार्डन जो है ये अपने पत्तों से कवर कर लेता है। काफ़ी खूबसूरत और हार्डी किस्म का प्लांट होता है। अगर इसके ब्रांच को आप तोड़कर इसी तरह से ज़मीन पर फेंक भी देंगे तो ये जो प्लांट है बहुत ही आसानी से रेडी हो जाते हैं। सिंगोनियम का प्लांट है, एक पॉट में लगा हुआ है छोटे से, और इसके जो ब्रांच है अपने आप से इस तरह से निकल कर ज़मीन पर ही, आप देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी भी नहीं है, तो ये जो प्लांट है अपने आप से इस तरह ये जो है रूट जो है वो बन जाते हैं। इधर आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैं आपको इस तरह से खींच कर दिखाती हूँ, बहुत ही आसानी से जो प्लांट है अपने आप से रूट बन जाते हैं। जो सिंगोनियम का प्लांट है फ्रेंड, काफ़ी हार्डी किस्म का प्लांट होता है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रोथ भी इसकी होती है। तो इसके जो ब्रांच है इसे कट करके मैंने कई बार इस तरह से कचरे में फेंक भी दिया है, तो अगर मैंने इसे फेंक दिया तो वहीं पे जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से ग्रो करने लगते हैं फ्रेंड। टॉप 5 प्लांट्स ऐसे प्लांट होते हैं फ्रेंड जिसकी कटिंग लगाने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसे आप कट करके इस तरह से मिट्टी में या पॉट में कहीं भी फेंक भी देंगे तो ये जो प्लांट है बहुत ही आसानी से रेडी हो जाते हैं।